बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन में हमने ये सीखना है कि जो टेबल हम बनाने जा रहे हैं वो टेबल स्ट्रेट फॉरवर्ड रोज़ एंड कॉलम भी नहीं होते हैं। कभी कभार हमें कुछ रोज़ एंड कॉलम्स को डिलीट करना होता है एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट, हो सकता है सिचुएशन हो सकता है कि जो हम डिपिक करने जा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक आपके सामने टेबल का बनाता हूँ, तीन किस्म की टेबल बनाता हूँ, तो आप उसको देखिएगा कि किस तरह से हमने इस टेबल को डिज़ाइन करना। एक टेबल हमारे पास कुछ इस तरह से ये दी हुई है, बिल्कुल मुकाबले में एक टेबल और दी हुई है और उसकी उसको कुछ इस तरह से भी बनाया गया है। ठीक है, और एक और टेबल बना लेते हैं ताकि हमें तीसरी टेबल भी आइडिया हो जाए। एक टेबल ये है हमारे पास, ये हमने तीन टेबल आपके सामने पेश किए, देख रहे हैं। इन तीन टेबल में दरअसल इशू क्या है, इसमें तीन टेबल में ये देखिए, इसमें हमारे पास रोज़ एंड कॉलम्स की तादाद बराबर है। कितने रो कितने कॉलम है? दो रो दो कॉलम और दो कॉलम है। इसमें कितने रोज कितने कॉलम है? दो रोज और तीन कॉलम। हाँ, इसमें अगर गौर से देखें ना तो ये भी दो रो दो कॉलम की ही है, इसमें भी ये भी दो रो दो कॉलम की है, लेकिन हमने पहली रो में ना एक कॉलम दी है और दूसरी रो में दो कॉलम दी है। तो ये पहली रो है ना हमारी, ठीक है, ये जो पहली रो है, ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है? एक कॉलम, और इस रो में कितने दिए हैं? दो कॉलम। इस सिचुएशन को देखें, ये जो हमारे पास पहले रो है ना, इसमें इस पहले टी डी में इसमें एक टी डी है, इसमें मतलब दो टी डी है। इसको अंडरस्टैंड करने का आसान वे पता क्या है? आप एक काम करें, आप लें एक डेड लाइन लाइन ले लें, डॉटेड लाइन कर लेते हैं, डॉटेड लाइन भी है, अच्छा ये कर लेते हैं लाइट लाइट लाइन मैं कुछ इस तरह से ये बना लेता हूँ ताकि आपकी याद दिलाने के लिए आपको समझ आ जाए। वो भी था डॉट लाइन हो जाए, ये मैंने एक ऐसा ना रफ सी लाइन लगाई है, वो लाइन वो थी नहीं जो मैंने लगा दी अंडरस्टैंड करने के लिए, आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए, ठीक है। फिर देखिए एक्चुअली ये अब अगर मैंने ये लाइन ड्रॉ की है, अब हमें वो वाली शेप मिल रही है जो हमें चाहिए थी, जो पहले थी, यानी दो रो और दो कॉलम, ये भी दो रो और दो कॉलम है, लेकिन इसमें मैंने क्या किया, ऊपर वाली रो में एक कॉलम यूज़ किया, एक को हटा दिया। इसकी ज़रूरत, ऐसे शेप की ज़रूरत ही क्यों पेश आती है? लेकिन बाद ऐसा होता है कि मैं टेबल बना रहा हूँ तो ऊपर वाली कॉलम, ऊपर वाली रो में ना मैं लिख रहा हूँ स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, स्टूडेंट डिटेल, ठीक है, या एडमिशन फॉर्म या रजिस्ट्रेशन फॉर्म, क्योंकि मैं ऐसी कोई हेडिंग देना चाहता हूँ, तो बड़ी सी हेडिंग देना चाहता हूँ, रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑफ ABC स्कूल, ये देना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो इसको मैं बतौर हेडिंग यूज़ करना चाह रहा हूँ, ठीक है, या इस जगह इस अंदाज से वर्टिकल फॉर्म में, ये इस जगह वर्टिकल फॉर्म में कुछ लिखना चाहता हूँ, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। जैसे बिजली का बिल अगर आपके सामने रेंज में हो तो वो कुछ डब्बे बड़े कुछ डब्बे छोटे होते हैं, जी सर, ठीक है, और उसमें कुछ वैल्यू कम ज़्यादा हो रही है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड टेबल तो नहीं होती, होती तो वो भी टेबल है डब्बे उठते हैं, लेकिन वो प्रॉपर रेंज नहीं होती है, कुछ डब्बे बड़े होते हैं कुछ छोटे होते हैं, कुछ मर्ज होते हैं कुछ स्प्लिट होते हैं, एक डब्बे से चार डब्बे निकल रहे होते हैं, चार डब्बे से एक डब्बा बन रहा होता है, तो इस तरह से मामला सिचुएशन। तो ऐसे सिचुएशन को हमारा HTML कैसे डील करेगा, ऐसे टेबल, ठीक है, समझ आ गई टेबल। एक टेबल है ये स्ट्रेट फॉरवर्ड जिसकी कोडिंग हमारे पास हमें पता है कि कौन सी होगी, अब कोडिंग भी इसके सैम्पल में कर देना, मैं करके दिखाता हूँ आपको, इसकी रिकॉर्डिंग किया हमने होते हैं, इसको थोड़ा साइज भी बढ़ा देते हैं ताकि हमें कोडिंग का थोड़ा सा आइडिया भी हो जाए। इधर टेबल, ठीक है,
बताया ना इसकी कोडिंग क्या होती जाएगी। कोडिंग होगी हमारे पास टी आर, ठीक है, देन हमारे पास टी आर क्लोज होगा, और फिर हमारे पास टी डी होगा, ठीक, और टी डी होगा, और फिर हमारे पास टी डी क्लोज होगा, टी एच भी आ जाएगा, ठीक है। और क्योंकि हमने कहा था कि वो एक रो में मतलब दो कॉलम है इस टेबल में, एक रो में दो कॉलम है, तो इसी का मतलब ये है कि ये टी डी वाला पेयर दो दफ़ा रिपीट हो जाएगा, तो ये हमारे पास ये दो दफ़ा आएगा और हम इसको यहाँ से पेश कर देंगे, ठीक है। इस सिचुएशन में हमारे पास ये एक रो मुकम्मल हो जाएगी, ये ऊपर वाली, ठीक है। यानी कि अगर हम इसको इस अंदाज से समझाना चाहें तो ये हमारा ये सेक्शन बन जाएगा, ये वाला, इस सेक्शन की बात हो रही है, ठीक है, इस कोडिंग से फिलहाल, कितनी कोडिंग से। अगर आपको ये नीचे वाला सेक्शन बढ़ाना है तो आपको ये टी आर से लेकर के टी आर क्रॉस तक इसे कॉपी पेस्ट करना है सारा, ये यहाँ से यहाँ तक का सारा सेक्शन, ये वाला नीचे वाला सेक्शन भी, ये कॉपी पेस्ट, ये कॉपी पेस्ट करेंगे आपको ये नीचे वाला सेक्शन मिल जाएगा, ऐसा है कि नहीं, ठीक है। तो ये टेबल मिल जाएगी, अब हमें टेबल चाहिए ये वाली भी और ये वाली भी, अब इसमें क्या चेंजेस होंगी, वेरिएशन होंगी। अब हम आते हैं अपने नोट पैड के ऊपर और इसको करने की कोशिश करते हैं ताकि हमें इसका समझ आए, ये सिनेरियो कॉन्सेप्ट समझ आ गया जी सर, इससे आइडिया हो जाएगा कि हम जो है किस तरह से एक टेबल को डिज़ाइन कर सकते हैं। अब हम आते हैं नोट पैड पर, ठीक है, और नोट पैड पर हम इसी तरह से ना डिज़ाइन करते हैं पूरी वेबसाइट को ताकि हमें इसका थोड़ा सा आइडिया हो जाए, इसको फॉन्ट बढ़ा देते हैं, फॉन्ट इसका बढ़ाते हैं ताकि इसकी कोडिंग हमें नज़र आए और फिर हम उसके ऊपर प्रॉपरली वर्क कर सकें, ठीक है। तो HTML हमारे पास है, नीचे हमारे पास के HTML क्लोज है, फिर हमारे पास के हेड है, और फिर हम हेड को क्लोज करेंगे, ठीक है, देन हमारे पास है बॉडी, ठीक है, और फिर हम बॉडी को क्या करेंगे, क्लोज कर रहे हैं बॉडी को, ठीक है, और फिर इस तरह से अब बॉडी के अंदर हम आते हैं जी, हमने बनानी है टेबल, ठीक है, और टेबल के लिए वही चीज़ जो हमें पता है, टेबल, और टेबल को क्लोज करना है कैसे भला, टेबल अभी टेबल, और ये रहेंगे टेबल के अंदर क्या आएगा जी, टी आर, ठीक है, और टी आर क्लोज कर देंगे, और फिर से कहाँ टी डी, और फिर टी डी क्लोज कर देंगे, एक हमारे पास सेल बन गया, ठीक है, और इसी को हमने अगर कॉपी करके पेस्ट करा तो हमारे पास क्या जी, ये दूसरा सेल बन गया, ठीक है, और इस तरह से ये हमारे पास, अगर इसको हमने अगेन कॉपी किया पूरे को, ठीक है, और पेस्ट किया तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक और रोज और दो कॉलम बन गए, ठीक है, एक रो दो कॉलम नीचे की जाने बन गई। अब हम इसको बॉर्डर लगाते हैं ताकि हमें थिकनेस दिखाई दे, ठीक है, और उसकी थिकनेस हम बढ़ा लेते हैं, कितनी थ्री कर लेते हैं, ठीक है, और इसकी थोड़ी सी हाइट भी बढ़ा देते हैं ताकि हमें इसका समझ आ जाए। तो हम कर देते हैं जी HEIGHT होता है ऐसे, HEIGHT हो गया, ठीक है, और एक स्ट्रॉन्ग क्या करते हैं जी 300 कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, और वेट कितनी कर लेते हैं जी, कितने कर देते हैं वेट से, चलो ये भी बराबर इक्वल कर लेते हैं। अब इसे हम सेव करते हैं, सेव करने के बाद ये हम कहाँ जाते हैं, सेव करने के बाद इसे हम सेव करते हैं, ठीक है, और सेव में हमने वेबसाइट में जाना है, और यहाँ जाकर हमने कहना है जी टेबल एग्जाम्पल के नाम से HTML, ये हमने एक साइट बना दी, आते हैं जी टेबल एग्जांपल पे, और टेबल एग्जांपल हमारे पास डेस्कटॉप में एक फोल्डर है माई फोल्डर वेबसाइट के नाम से, और उसमें है टेबल एग्जांपल, ठीक है, ये आपके सामने टेबल है, ठीक है, ये वही टेबल है जो हमने पेंट में अभी ड्रॉ की है, ठीक है, ये देखिए पेंट में ये ड्रॉ की थी, ये वाली टेबल हमने अपने पास ब्राउजर पर डिज़ाइन कर दी है, बताएँ क्लियर है। अब हम आते हैं जी क्या नाम है, दोबारा से कोडिंग पे एक और टेबल बनाते हैं, अब एक और टेबल बनानी है ताकि मुझे फ़र्क लगे कि वो ये वाली टेबल और उस टेबल की शक्ल और शबाहत में क्या फ़र्क है,
तो मैं फ़िलहाल बज़ाहिर उसे कॉपी करता हूँ और इधर एक और केबल पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। उसे सेव करता हूँ, सेव करके मैं ब्राउज़र के आगे रिफ्रेश करता हूँ ताकि मैं देखूँ कि क्यों कह रहा है। तो मैं बस दो टेबल हो गई, ठीक है। अब मैं ये चाह रहा था कि ये वाली दीवार हटे, ये वाली दीवार हटे ताकि वो मेरे पर वो शेप आ जाए जो अभी मुझे पेंट में सिखाई गई है या मुझे बताई गई है, ये वाली शेप बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो उस शेप को बनाने के लिए मुझे इसकी ये वाली दीवार तोड़नी पड़ेगी। दीवार तोड़ने का मतलब ये है कि ये दो कॉलम थे, एक कॉलम ये वाला था और एक कॉलम ये वाला था, मुझे इसको एक कॉलम में कन्वर्ट करना है, एक कॉलम हटा देना है, एक कॉलम हटा देना है और इसको दो कॉलम से एक कॉलम पे लाना है। अब मैं कोडिंग में वापस जाऊंगा और देखें कि ये सिलसिलाकार जो शुरू में यहाँ से हुआ था ये वाला ठीक है, ये वाला कॉलम मैं हटा दिया था, ठीक है। अब मैं जब ये हटा करके सेव करके और वापस इधर अपने ब्राउज़र पे आके रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें ये आपको ये कॉलम हट गया ना दिख रहा है, देखें ये पूरा डब्बा दिख रहा है जी। इसके बाद ये कोई डब्बा नहीं है, ये भी डब्बा नहीं है, ठीक है। ये एक अब ये कितने डब्बे हैं, एक दो तीन डब्बे हैं, देखो उसी हिसाब से पेयर भी हैं। ये देखो एक ये हो गया टी डी का, ठीक है, ये दूसरा ये हो गया टी डी का और तीसरा ये हो गया टी डी, ठीक है, समझा गए। तो हमारे पास तीन टी डी हैं और दो रो हैं, ये सिचुएशन हमारे पास इस वक्त मौजूद है, ठीक है। यानी पहली रो में हमारे पास सिर्फ एक टी डी का सेट मौजूद है, दूसरी रो में हमारे पास ये टी डी है और उससे नीचे वाला टी डी, क्लियर। तो इस तरह से हमने ये टेबल को ड्रॉ कर लिया हुआ है। अच्छा, अब लेकिन अभी मसला कहाँ आता है, मसला ये आता है, इधर गौर कीजिएगा मसला कहाँ आता है। मैं यहाँ लिखता हूँ जी स्टूडेंट डिटेल इंफॉर्मेशन, ठीक है, स्टूडेंट डिटेल इंफॉर्मेशन, और मैं यहाँ नीचे दे देता हूँ जी फर्स्ट नेम, ठीक है, और नीचे दे देता हूँ लास्ट नेम, ठीक है। तो ये मैंने मतलब इस तरह से ये है और इसको देखने जरा, तो ये वाली मालूम आप पीछे इस तरह से। लेकिन ये गौर करें तो ये एक कॉलम बड़ा है और वो एक कॉलम भी बड़ा है, ये तो ये स्ट्रच हो, ये इस तरह से लाइन दिख रही है मुझे, और ये वाला खाना ऐसा खाली सा दिख रहा है जहाँ कोई डेटा मैं पुट नहीं कर सकता। तो असूलन ये है कि ये वाली जो लाइन है इसे खींच करके, ऐसे ड्रॉ करके, बिल्कुल खींच करके नीचे वाले कॉलम के भी ऊपर आ जाने चाहिए, यही से करेंगे। मैं यहाँ से नहीं, मतलब कोडिंग में क्या ऐसा किया जाए कि ये वाली लाइन भी मुझे ना दिखे, तो मुझे लगे कि बिल्कुल एक एक सेल है, पूरा एक खाना है इस तरह से, ठीक है। तो इस सिचुएशन को डील करने के लिए मुझे ये जानना होगा कि ये जो मैं इधर स्पैम कर रहा हूँ, इसे फैला रहा हूँ, कितने कॉलम पर फैला रहा हूँ। देखें, एक तो वो एक के ऊपर तो ये है, आगे कितने कॉलम हैं, एक और है, तो टोटल कितने कॉलम पे ये फैलेगा, यानी इसका जो फैला हुआ है स्पैम है, कॉल स्पैम है, कितने पर हैं, कॉलम स्पैम जो हो रहा है कितने पे हो रहा है, दो पे हो रहा है। तो अब कोडिंग की मैं उसी तरह की मैं तब्दीली करूँगा, इस टी डी में आऊँगा, इस टी डी में आकर ये देखिए ये टी डी है, इधर एक कमांड दूँगा जिसे कहूँगा कॉल स्पैम, ठीक है। अब कॉल स्पैम करके ना इसमें मैं, क्योंकि अभी मेरी बात हुई है कि मेरे पास दो कॉलम है तो मैंने इसलिए दो लिखा है। अब अगर फ़र्क देखिएगा इसमें बिहेवियर में जो फ़र्क देखिएगा, इस पर जैसे ही क्लिक करूँगा ये देखो दीवार हट गई, ठीक है, ये वो एक बन रहा है। अब ये कोड में जरा देखें, ये एक टी डी है इसके अंदर मौजूद, कोई दूसरा टी डी है ही नहीं, इसमें दो टी डी है नीचे वाले में, जैसे पहले वाला सुथरा था वैसे था, ठीक है। ऊपर वाले में हमने कॉल स्पैम टू कर दी, अगर मैं कहता हूँ ना नीचे वाले में ना मैं चेंज, अब नीचे वाले में ना मैं एक कॉलम और बढ़ा देता हूँ आपके लिए, ये देखिए एक कॉलम मैं इजाफी और कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल फोन नंबर, ठीक है। ये तो ये मैंने सेव किया हुआ है और मैं इधर आता हूँ और ये देखें, अब ये देखें दोबारा वही दीवार आ गई, तो दोबारा, ठीक है, जाहिर सी बात है। अब ये नीचे कितने कॉलम पे फैलना चाहिए था, क्योंकि वैसे फैला कितना हुआ है, दो पे हुआ है, तो इसलिए मैं थ्री कर दूंगा। ये कॉल स्पैम यानी कॉलम खींच के लाना है और उसको कितने पे फैलाना है,
तीन पे खड़ा मैं। अब आप देखें इसको, हो गया। जैसे जैसे मेरी टेबल में कॉलम की तादाद यूँ बढ़ती चली जाएगी नीचे, तो मैं उतना कॉल स्पैम खींचता रहूँगा और आगे लेता जाऊँगा। फिर मेरी टेबल की सिचुएशन ये वाली हो जाएगी जो मुझे डिमांड है, ये वाली टेबल की सिचुएशन मुझे चाहिए थी और वो ये मैंने बना ली। समझे बात? तो इस तरह का हल मैंने इसको डिज़ाइन किया है। अब आप रिकॉल करें अपने जो अभी मैंने कल भी आपको होमवर्क दिया है कि अपना मैट्रिक का इंटरप्राइज रेड कार्ड देखें, तो आपने देखा हो कुछ सेल बड़े हैं कुछ छोटे हैं। अगर आपने अपना रेड कार्ड वाला वो पेज देखा हो तो उसमें कुछ सेल लंबे हैं कुछ छोटे हैं, वो इस वजह से बनते हैं, ठीक है ना। कुछ इसे ड्रॉ करके हॉरिजॉन्टली बड़े हो गए हैं, कुछ वर्टिकली नीचे से बड़े हो गए हैं, ठीक है, तो वो इस अंदाज से होंगे। अच्छा अगर देखें, अब एक ये एक शेप एक दूसरी शेप बना ली। अगर कोडिंग में आते हैं, कोडिंग में आके ना एक और टेबल बना के दिखाता हूँ आपको, ताकि आपको इसका फ़र्क ज़रा दिखे वाजे तौर पर। ये तो दो टेबल हो गई ना, अब तीसरी टेबल मुझे चाहिए कुछ इस तरह से। ये जो मैंने आपको समझाया कि ये वाली शेप मुझे चाहिए, ठीक है, इस तरह से अब इसे स्पैन करना। ये गौर करें, ये कॉलम पे स्पैम हुआ था, ये नीचे दो कॉलम थे तो इन दो कॉलम पे स्पैम हुआ, ये रो पे स्पैम हुआ है, ये एक रो बनती है ये दूसरी रो बनती है, ये रो वाइज स्पैनिंग है और ये कॉलम वाइज स्पैनिंग है। इसको देखो, ये कॉलम वाइज स्पैम हो रहा है, जितने कॉलम बढ़ते चले जाएंगे मैं कॉल स्पैम 2, 3, 4 लिखता जाऊँगा, ये कितने रो बढ़ते चले जाएंगे मैं लिखूँगा रो स्पैम 2, 3, 4। सही, उसके दिमाग में ये फ़र्क है। अगर इसको मैं करके दिखाता हूँ ताकि आपको इसका समझ आए। अब कोड देखिएगा, मैं एक टेबल इजाफी डाल रहा हूँ, वो उसी टेबल को कॉपी पेस्ट करता हूँ ताकि हमें उसकी वर्किंग समझ आए। ये मैंने यहाँ से कॉपी करा कंट्रोल सी और फिर मैंने पेस्ट किया, ठीक है। अच्छा अब ज़रा देखेंगे कि हमने क्या करना है। अब कोड में क्या करना था, हमें रो स्पैम टू की बजाय कॉल स्पैम, ठीक है, तो मैं यहाँ कर देता हूँ कॉल रो स्पैम 3 की बजाय 2, क्योंकि 2 थे ना वहाँ, ठीक है। इस तरह से मैंने ये कर देना है इसको, और यहाँ से एक लिया है मैंने। अब आप से कंट्रोल एस करें और यहाँ पर शीट लाएँ, इसे रिफ्रेश करें, लिखा हुआ मैंने रो स्पैम 2 टेबल के अंदर TD के अंदर और TD क्लोज और फिर ये वाला सिलसिला का सॉरी 3 कर रहे हैं। हमारे पास उनको फ़ोन नंबर भी आ गया हुआ है ना, इसलिए हमें 3 कर रहे हैं, क्योंकि डायग्राम में दो बने हुए थे तो इसलिए हमें कन्फ्यूजन हो रही थी कि दो क्या हो गया। ठीक है, ये देखिए ये वाली सिचुएशन बन गई है, ये वाली सिचुएशन कुछ लग नहीं रही कि ऐसी है जैसे हम चाह रहे थे। इसमें थोड़ा चेंजेस करते हैं कोड में। यहाँ मुझे अगर लाइन मिल जाए ना, ये यहाँ ऐसे इधर सीधी सीधी, तो ये वाली क्लियर हो जाएगी सिचुएशन, ऐसे ना। तो इसको करते हैं, ये अपसेट कोड में आते हैं, कोड में कर देखते हैं क्या। अब ये मेरे पास क्या है, अच्छा अब आपने ना यहाँ क्योंकि रो बनानी है, देख गौर से देखिए हमने क्या बनानी है, रो, एक रो मैं यहाँ यूँ बनाऊँगा, ये एक रो इधर बनाऊँगा, ऐसे है। अगर मैं इसे कम्प्लीटली करूँ तो ये मैं यहाँ से ड्रॉ करके ला रहा हूँ, एक रो ये बनती है, फिर कम्प्लीट करूँ तो यहाँ से ड्रॉ करके ला रहा हूँ ये बनती है, इससे नीचे खुद ब खुद बन जाएगी तीसरी रो जब मैं सेंटर में एक लाइन और डालूँगा। तो अब इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, हर TD के बाद ना यहाँ TR क्लोज कर देता हूँ,
ठीक है, और यहाँ से फिर टी डी बना देता हूँ, ये लो यहाँ से टी डी बना देता हूँ, फिर टी आर बना देता हूँ, टी आर बनाने के बाद मैं यहाँ फिर आता हूँ और यहाँ पर टी आर यूज़ करता हूँ, ठीक है, और फिर यहाँ आकर के क्या करता हूँ, टी आर शुरू कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ आकर के क्या करता हूँ, टी आर यूज़ करता हूँ, ठीक हो गई बात, और ये वाला सब्सक्राइब कर हटा देता हूँ, और अब थोड़ा सा फर्क देखिएगा कि क्या आने वाला है, ये देखिए सिचुएशन क्लियर हुई, ये हमारे पास क्या आ गया, एक दो, अब ये इधर दो आ गया है जिसका फ़ोन नंबर, अब इसको भी देखते हैं, ये हमने क्या किया, ये हमने यहाँ आकर के टी आर क्लोज किया था, फिर टी आर शुरू किया है, और फिर ये हमने क्या किया है, ये टी आर क्लोज किया, अब हमारे पास ये टी आर मिल गया,